सब लोग होप सो ठीक ठाक होंगे जी। बेटा हमारा जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का सब्जेक्ट है उसमें हमने अपने जो टू लेयर्स हैं, आई थिंक थ्री लेयर्स हैं, फिजिकल डाटा लिंक एंड नेटवर्क, वो हमने कंप्लीट कर ली। 167 पेज है हमारी उसी वाली जो हम बुक को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर जो है आज वो हम देखेंगे 8.2.5, ये हमारा टॉपिक है। दी ट्रांसपोर्ट लेयर राउट्स डेटा स्ट्रीम्स कमिंग फ्रॉम मल्टीपल एप्लीकेशंस एंड इंटीग्रेट देम इनटू अ सिंगल स्ट्रीम फॉर अ नेटवर्क लेयर। जी हाँ, ट्रांसपोर्ट का मतलब यही होता है कि आपकी जो मैसेज है, स्ट्रीम है डाटा की, उसको एक जगह से दूसरी जगह पे जो है वो लेके जाना और उसको एक सिंगल स्ट्रीम ऑफ नेटवर्क लेयर के अंदर जोड़ना, इंटीग्रेट करना। एट द रिसीविंग एंड, और दूसरे जो रिसीविंग एंड है, द डाटा इज सप्लीट अगेन टू द राउटिंग टू द डेस्टिनेशन एप्लीकेशन, मतलब सेंडर से लिया, उसको इंटीग्रेट किया, फिर जो 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 डेस्टिनेशन होगी, आपके रिसीवर होंगे, उसके पास डाटा जो है वो उसी फॉर्म में चला जाएगा जैसे सेंडर ने सेंड किया होगा। सो ट्रांसपोर्ट लेयर कैन मेंटेन फ्लो कंट्रोल एंड कैन प्रोवाइड एरर चेकिंग एंड रिकवरी ऑफ डाटा बिटवीन नेटवर्क डिवाइसेस। सो आपका जो ट्रांसपोर्ट लेयर है, इसकी फ्लो कंट्रोल को मैनेज करना होता है, एरर चेकिंग करनी होती है और उसकी रिकवरी जो है वो करनी होती है, किसके साथ मिलके, नेटवर्क डिवाइसेस के साथ। सो एक्चुअली हम ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर दो प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं, एक होता है हमारा TCP, एक होता है हमारा यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है और UDP यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल है। फर्दर उसी के सब पॉइंट चल रहे हैं, 8.2.5.1 है TCP एंड UDP। ये बड़ी डिटेल में हमने चीज़ें गई हुई हैं, लेकिन IT इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हमारा ये सारा ओवरऑल स्ट्रक्चर आ जाता है, हमारा पूरा नेटवर्क आ जाता है। और किसी TCP एंड UDP में हम डिफरेंस देख लेते हैं। एप्लीकेशन टिपिकली डोंट यूज़ IP एड्रेस डायरेक्टली, आपकी एप्लीकेशन कभी भी IP एड्रेस को डायरेक्टली यूज़ नहीं करती, बट यूज़ द अपर लेयर प्रोटोकॉल। जब हम अपर लेयर की बात करते हैं प्रोटोकॉल, तो यूजली TCP एंड UDP होते हैं। तो TCP बता दिया, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, ये यूज़ क्या करता है आपका IP प्रोटोकॉल टू क्रिएट रिलायबल ट्रांसमिशन, सो कॉल्ड TCP/IP पैकेट्स। TCP प्रोवाइड्स रिलायबल ऑर्डर डिलीवरी ऑफ स्ट्रीम ऑफ डाटा बिटवीन एप्लीकेशन। TCP हाउएवर इंट्रोड्यूस क्वाइट अ बिट ऑफ ओवरहेड, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ TCP हेडर डाटा, बट आल्सो बिकॉज ऑफ द एक्नॉलेजमेंट्स द सेंडर इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द रिसीवर फॉर ईच पैकेट और सीरीज ऑफ पैकेट। तो आपके सिर्फ और सिर्फ ये हेडर की एक्नॉलेज नहीं रखता, बल्कि आपके जो हर पैकेट है उसका रिकॉर्ड जो है उसकी एक्नॉलेजमेंट प्रॉपर मिली है या नहीं। थ्री वे हैंड शेकिंग का कॉन्सेप्ट भी आपके ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर ही आता है। आपका जो कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ, ठीक है, कनेक्शन अब डाटा सेंड हुआ, उसके बाद टर्मिनेशन हुआ, तो यह हर चीज़ एक्नॉलेज जा रही है, पैकेट सेंड हुआ उसकी एक्नॉलेज आई है या नहीं आई, वो भी आपके TCP का हेडर जो है अपने अंदर रखता है, उसका सारा रिकॉर्ड इसके अंदर अवेलेबल होता है। सो इन कंट्रास्ट, उससे रिवर्स अगर यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल की बात करते हैं, तो वो एम्फसाइज करता है किस चीज़ को, रिड्यूस लेटेंसी डिले को, ओवर रिलायबिलिटी, इट सेंड्स डाटा विदाउट चेकिंग इफ द डाटा अराइव्ड, तो वैसे सेंड करता है, विच रिड्यूस मच ओवरहेड, और ये जो है इस ओवरहेड रिड्यूस हो जाता है इसे। UDP यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल है। यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल इज टिपिकली यूज व्हेन सम पैकेट लॉस इज एक्सेप्टेबल, इस पैकेट लॉस भी होंगे तो तब भी एक्सेप्टेबल हो जाएंगे, लाइक इन अ रियल टाइम वॉइस एंड वीडियो स्ट्रीम, और व्हेन ओनली स्मॉल अमाउंट्स ऑफ डाटा आर ट्रांसमिटेड। तो इसमें हम स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा ट्रांसमिशन सेंड कर सकते हैं दैट फिट इन वन IP पैकेट, लाइक DNS डोमेन नेम सर्वर, विच क्यूरीज मस्ट बी फास्ट एंड ओनली कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल रिक्वेस्ट फॉलोड बाय अ सिंगल रिप्लाई पैकेट, और वो उसी जो सिंगल रिप्लाई के फॉर्म पर सेंड हो रहा है उसी को ही सिंगल पैकेट जो है वो सेंड करेगा। यूज़र डाटा का नाम दोनों साइड पे सेम। UDP इज आल्सो यूज द SNMP, ये भी आपका मेल जो है उसके लिए है, एंड DHCP डायनामिक होस्ट के लिए है। TCP एंड UDP आर लॉजिकल पोर्ट सीरीज, सो आपके जो लॉजिकल नंबर्स होते हैं ये
और ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर ही पोर्ट्स वगैरह का कनेक्शन होता है ना, जो हमारी सीरियल पोर्ट्स हैं, बस मतलब जितने भी पोर्ट्स का कनेक्शन है वो इस ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर होता है। एन एप्लीकेशन ऑन आ होस्ट टिपिकल बाइंड्स इटसेल्फ टू वन लॉजिकल पोर्ट नंबर सो इट कैन बी एड्रेस सेपरेटली फ्रॉम द अदर एप्लीकेशन ऑन दैट होस्ट। तो आप लोगों को ये बड़ी चीज़ें बड़ी डिटेल में बताई हुई हैं कि पोर्ट नंबर्स बिटवीन होते हैं 0 से लेकर 65,535, इसी के दरमियान में पोर्ट नंबर होते हैं। इसमें से कुछ प्राइवेट निकल जाती हैं, कुछ पब्लिक है और कुछ फ्री हैं और कुछ रिजर्व है। रिसीव TCP एंड UDP पैकेट्स आर आइडेंटिफाइड एज बिलोंगिंग टू अ स्पेसिफिक कनेक्शन बाय इट्स कम्बाइनेशन ऑफ द IP एड्रेस एंड द TCP और UDP पोर्ट नंबर। सो हम ये UDP और TCP पोर्ट लगाते हैं, जैसे कि ये आपका IP एड्रेस है और कॉलन के बाद जो चीज़ लिखी है वो 80 जो है वो पोर्ट नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कि IP एड्रेस जो है वो 80 पोर्ट के साथ जुड़ा हुआ है। वेयर द नंबर आफ्टर कॉलन रिप्रेजेंट द पोर्ट नंबर, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि कॉलन के बाद जो चीज़ लिखी हुई है वो आपका पोर्ट नंबर है। सर्वर रनिंग ऑन आ स्पेसिफिक सर्विस लिसन टू वेल नाउन पोर्ट्स, सो क्लाइंट्स नाउ व्हाट पोर्ट टू यूज टू कनेक्ट द सर्विस। सो क्लाइंट जानता है कि मतलब उसको कौन सी सर्विस कौन सा कनेक्शन जो है वो जोड़ना है। जैसे आपके जो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं उसकी डिफरेंट पोर्ट नंबर्स होते हैं। वेल नाउन पोर्ट्स FTP की पोर्ट 21 AC के साथ का, SS पोर्ट 22, SMTP पोर्ट 25, DNS पोर्ट 53 एंड HTTP पोर्ट 80। जब आपने CCNA या CCNPS जो भी इसकी सर्टिफाइड है सिस्को की, जब वो सारी चीज़ें आप लोग को पता होनी चाहिए, आप लोग को फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। तो यहाँ तक तो TCP और UDP का डिफरेंस कंप्लीट हुआ, और उसके बाद पोर्ट्स नंबर का बताया आपको। थ्री वे हैंड शेकिंग BC के अंदर एग्जिस्ट करता है। सेकेंड पॉइंट है इसका नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन नेट। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन अलाउज द यूज टू प्राइवेट एड्रेसिंग स्पेस। आपकी जो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन है वो प्राइवेट एड्रेसिंग स्पेस प्रोवाइड करता है एक ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान। While using globally unique address for routing data to the internet, typically NAT is performed by the router connected to the internet. तो देखिए ना, ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बता रहे हैं नेटवर्किंग का। जब आप जोड़ते हैं उसके पैकेट्स कैसे पास हो रहे हैं, कैसे उसका राउटर इनेबल होगा, कैसे वो इंटरनली इंटरफेस और इंटरनेट इंटरफेस के साथ जुड़ा हुआ है। सो NAT replaces the packet private IP address with its public IP. ये आपका नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन है। देखिए एक राउटर है, ठीक है, एक मेन राउटर है, उसके ऊपर एक नेट जो आपने जोड़ा हुआ, मतलब ये एक तरीका कार जोड़ा, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन कर रहे हो आप उसके ऊपर। ठीक है, सर, दो पोर्ट्स हैं, एक इंटरनल नेटवर्क है आपका और एक इंटरनेट है। जैसे हमारे घर में इंटरनेट लगा तो हम बाकियों को भी देते हैं, तो इंटरनल नेटवर्क यूज़ करें। इसके लिए पोर्ट्स चेंज है, इसके लिए पोर्ट्स नंबर चेंज है। तो ये होता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, उसको कैसे आप जो है डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। TCP और UDP हेडर पोर्ट्स अप टू 65,536 पोर्ट्स नंबर, मोस्ट ऑफ विच आर अनयूज। सो इसके अंदर जो मतलब हम यूज़ नहीं करते, बाय मैपिंग एन इंटरनल एड्रेस पोर्ट्स कम्बिनेशन टू एन इंटरनेट एड्रेस पोर्ट कम्बिनेशन, आप एड्रेस देते हो, IP एड्रेस और पोर्ट नंबर कम्बिनेशन दोनों देना पड़ता है। आप लोग देखा नहीं है, आप लोगों ने जब आप लोग कनेक्टिविटी सिस्को में करते थे तो आप पोर्ट नंबर देते हो, ठीक है, फिर उसके ऊपर IP जो है वो मेंशन करते हो। तो नेट कैन सपोर्ट अ लार्ज नंबर ऑफ सेशन विद वन इंटरनेट एड्रेस। विद नेट ऑल कनेक्शन फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन seems to come from one internet IP address, limiting the number of IP addresses needed by an organization. So वो depend करता है कि आप IP address जो है वो organization के according करें। With NAT, an organization needs a small set of IP addresses, even if they have many system directly connected to the internet. जो मर्जी हो एक organization के लिए आपको एक IP address की ज़रूरत है, फिर आप उसको एक इंटरनल स्ट्रक्चर बनाते हो। एज ईच IP एड्रेसेस कैन बी यूज टू सेटअप 64,535 IP कनेक्शन, फिर उसके अकॉर्डिंग आप इतने कनेक्शन जितनी आपको ज़रूरत है आप उस तरह उसके हिसाब से कनेक्शन बना लेते हो।
In practice, only system that need to be reachable from the internet or systems that need to data send directly to the internet. फिर वो जो direct data आपका है वो internet के साथ direct किया जाता है need net addresses. Examples are email server, web server और web proxy server. ये इसकी examples हैं आपकी net system की. Each user workstations typically only indirectly communication to the internet using one of these servers. So उनका अपना server है दो so ये जो है इसको use नहीं करते वो net address को use नहीं करते. ओके जी आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर कंप्लीट हुई. अब हम सेशन लेयर को स्टार्ट करने लगे हैं. सेशन लेयर जी सेशन लेयर प्रोवाइड्स मैकेनिज्म फॉर ओपनिंग क्लोजिंग मैनेजिंग अ सेशन बिटवीन एंड यूज़र एप्लीकेशन प्रोसेस. ओपन करता है क्लोज करता है मैनेज करता है जो भी आपका एंड यूज़र सेशन है एप्लीकेशन प्रोसेस. सेशन लेयर सर्विस आर कॉमन यूज इन एप्लीकेशन इन्वायरमेंट डेट मीन यूज़ ऑफ रिमोट प्रोसीजर कॉल आर पी सीज. ये आपका रिमोट प्रोसीजर कॉल्स हैं. तो सेशन आपका देखिए जब जब एक्टिव होगा तब वो उसको कॉल में रखेगा. जब वो ई एक्टिव हो जाता है आपका सेशन जब आप कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो वो एक्टिव होता है आपका सेशन. तब उसको मतलब क्लोज कर देते हैं तो वो डीएक्टिवेट हो जाता है. दिस सेशन लेयर सो आल्सो इम्प्लीमेंट्स वी पी एन्स विर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स यूजिंग प्रोटोकॉल लाइक पी पी टी पीयर टू पीयर और लाइन टू ट्रांसपोर्ट. ठीक है ये दोनों आपके जो पीयर टू पीयर है और एल टू है ये दोनों आपके डेटा लिंक के साथ भी कनेक्टिविटी परफॉर्म करते हैं. सो वी पी एन जी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क. अ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यूजेस अ पब्लिक नेटवर्क टू इंटर कनेक्ट प्राइवेट साइट्स इन अ सिक्योर वे. आपको एक टनल देता है एक सिक्योर पाथ देता है आपके इंटरनेट की आप सेंडर टू रिसीवर कम्युनिकेशन जो है वो कर सकते हैं. तो टेलीकॉम प्रोवाइडर्स बैकबोन है जो आपको सेपरेट फ्रॉम द इंटरनेट प्रोवाइड की जाती है मतलब डेडिकेटेड होती है जुड़ी हुई होती है. ये देखिए ना जैसे ये इंटरनेट है तो ये वीपीएन राउटर से वीपीएन राउटर ये एक टनल है एक सिक्योर पाथ देगी एक लोकेशन से दूसरे दरमियान में. एंड एज एन ऑल्टरनेटिव टू आर डेडिकेटेड लीज्ड लाइन. ठीक है एल आपकी लीस्ट है ना एल टू टी पी जो है. VPN use virtual connection based on IP security or SSL. वो ऑलरेडी बता दिया कि ये सिक्योर पाथ देती है. तो IP security और SSL secure socket layer. Most network providers also offer private VPNs based on MPLS. Multi-port system जो है इसका provide करते हैं. वी पी एन टनल कैन बी डिप्लॉयड रेलेटिवली फास्ट. सो ये वी पी एन टनल जो है वो फास्ट होता है. वी पी एन रिमोट साइट जो है क्रिएट करता है ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान में हेडक्वार्टर्स के दरमियान में डिफरेंट लैंस और न्यू लोकेशन के दरमियान में. स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन और ऑथेंटिकेशन मेथड है ताकि डाटा आपका जो सेंसिटिव डाटा है वो सिक्योर हो. रिलायबल इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करता है आपको. वी पी एन फॉर वैन कनेक्शन. वी पी एन टनल आर आल्सो ऑफन यूज फॉर रिमोट एक्सेस टू लैन. आपका जो वी पी एन टनल है वो सिर्फ और सिर्फ एक कनेक्शन परफॉर्म के लिए नहीं बल्कि डिफरेंट लैंस को आउटसाइड और इनसाइड डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को अलाउ करता है डाटा जो है वो सेंड किया जा सके. एंड इंटरनेट कनेक्शन एंड कंप्यूटर रनिंग वी पी एन क्लाइंट सॉफ्टवेयर इज ऑल डैट इज़ रिक्वायर्ड टू अलाउ रिमोट यूजर द सेम नेटवर्क एक्सेस इन द ऑफिस. तो यहाँ पे थ्री मोस्ट कॉमन वी पी एन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड्स हैं जिसमें आपका पी पी टी पी आता है मतलब पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल. देखें यहाँ पे लेयर टू टनलिंग प्रोटोकॉल है. हाँ जी जी पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग ये किस लिए डिज़ाइन किया जाता है फॉर इंडिविजुअल क्लाइंट टू सर्वर कनेक्शन. किस लिए क्लाइंट टू सर्वर. इट इनेबल्स ओनली अ सिंगल पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन पर सेशन. तो पॉइंट टू पॉइंट का नाम भी तो यही होता है ना सिंगल. तो आपकी जो ऑथेंटिकेशन है वो पॉइंट टू पॉइंट होगी नेटिव होगी एक क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट तक. लेयर टू टनलिंग प्रोटोकॉल वाज आल्सो डिजाइन फॉर सिंगल पॉइंट टू पॉइंट क्लाइंट टू सर्वर कनेक्शन. ठीक है लेकिन लेयर टू के ऊपर है. लेयर टू कौन सी है आपकी डाटा लिंक है.
मल्टी प्रोटोकॉल्स आपको प्रोवाइड किए थे, जो MPLS था ना, मल्टी प्रोटोकॉल सिस्टम्स, कैन बी इनकैप्सुलेटेड विद दी लेयर टू टनलिंग प्रोटोकॉल, टनल IP सिक्योरिटी। हाँ जी जी, IP सिक्योरिटी इसका लास्ट पॉइंट है। IP सिक्योरिटी इनेबल्स मल्टीपल एंड साइमल्टेनियस, एक साथ और मल्टीपल जो है टनल्स को क्या कर सकती है, इनक्रिप्ट कर सकती है, ऑथेंटिकेट कर सकती है विद IP डेटा। इट इज़ द बिल्ट इन टू IP वर्जन 6 स्टैंडर्ड एंड इज इम्प्लीमेंटेड एज एन एड ऑन IP वर्जन 4, वाइल TP एंड L2TP आर एम्ड मोर एट VPNs फॉर एड होक एंड यूजर कनेक्शन। एड होक होता है ना, जैसे आपका वाईफाई चल रहा है, खुद मुख्तार है एड होक वाईफाई, ठीक है, उसको भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो इसका पर्पज़ ही एड होक नेटवर्क को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है। सो फोकस होता है इसका नेटवर्क टू नेटवर्क कनेक्टिविटी की तरफ। तो ये था स्टूडेंट्स आप लोगों के जो टू लेयर्स हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर और सेशन लेयर जो हैं, वो हमने आज कंप्लीट कर लिया है OSI मॉडल के अंदर। बाकी हम प्रेजेंटेशन लेयर और आपकी एप्लीकेशन लेयर बच देती हैं, इसके बाद वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। ओके जी स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।